स्वागत है टोनो बाबर चैनल। तो आज के हम आप सब लोग बढ़िया होगे और मौज मस्ती कर रहे होगे। तो मैं आज की वीडियो में अपने न्यू साइकिल का रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने कहा 3-4 दिन पहले एक न्यू साइकिल को बाय करा है, तो मैं उसी को बस रिव्यू करने वाला हूँ। बस मैंने 1 दिन पहले वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, पर बस गलती से डिलीट हो गई है। अब बस जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब तो गाइस वो वीडियो चली गई है, तो अब तो वापस नहीं आ पा रही है। मैंने गाइस बहुत कोशिश करी, मैंने गाइस उसने रिसेंटली डिलीटेड से भी गलती से डिलीट कर दी, भाई अब नहीं आ पा रही वापस। मैंने बहुत सारे ऐप भी ट्राई करे और भाई नहीं आ पा रही वापस। तो चलिए भाई लोग, अब मैं आपको अपनी साइकिल के पास ले चलता हूँ। भाई ये अपनी साइकिल, जो साइकिल का नेम है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। साइकिल का नेम है भाई कॉस्मिक 27.5 मेज SL। तो इसकी जो भाई स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई आप सीट देख लो। बस सीट भाई आपको यहाँ पे जेली सीट देखने को मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सीट है, आपको भाई बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। और भाई नीचे आएंगे तो आपको भाई एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो भाई व्हील्स हैं उसमें आपको कॉस्मिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएंगे। अब डिस्क ब्रेक देखने के बाद जो भाई सीट है ना, ये भाई एडजस्टेबल है और आपकी हाइट ज़्यादा है, अब भाई ऊपर भी कर सकते हो अगर कम है, तब नीचे भी कर सकते हो। भाई डिस्क ब्रेक देखने के बाद आपको मैंने डिस्क ब्रेक दिखा दी है। अब डिस्क ब्रेक देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई, आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अगर आपको दशकों पे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आएगी। जो ये जो भाई साइकिल है, ये भाई पूरी स्टील बॉडी है। स्टील बॉडी होने के बाद भी अगर आपको इसका वेट दिखाऊं, भाई बहुत ही हल्का वेट है, आप देख लो मैंने कितनी ऊपर उठा ली है। और भाई यहाँ पे आपको कोई भी स्टीकर देखने को नहीं मिलेगा, ये भाई पूरा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, ये भाई बिल्कुल भी उखड़ने वाला नहीं है। पर भाई कोई नुकीली चीज से टच होगा, ये तो भाई स्क्रैच इस पर आना ही है। बहुत ही भाई ये अच्छा पेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको भाई इसके ब्रेक दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे भाई। और भाई ये शॉर्ट ब्रेक अलॉय लीवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब तो भाई मैंने आपको साइकिल की पूरी स्पेसिफिकेशन दिखा दी है। अब भाई साइकिल की तो दिखा दी है, अब मैं आपको बता रहा मैंने इसे बाय कहाँ से करा है। मैंने भाई इसे भोपाल में बाय करा है, मंगाराम देवीदास साइकिल स्टोर से, भाई वहाँ से मैंने इसे बाय करा है। इसकी जो रियल प्राइस थी वो तो भाई 12K थी, और जो मेरे को फाइनल प्राइस मिली वो मेरे को 11K तक मिल गई थी। अब भाई उसके मैं आपको बताता हूँ कि जो भाई साइकिल स्टोर वाले हैं उनने मेरे को भाई एक्स्ट्रा एसेसरीज दी हैं, मेरे को क्या दी है। अब मैं आपको सबसे बताता हूँ, उनने मेरे को दिया है भाई, ये मेरे को बॉटल होल्डर दिया है, इसमें अपन कोई भी बॉटल लगा सकते हैं। उनने भाई मेरे को ये एक बॉटल लगा के दी हुई है। उसके बाद आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे भाई लॉक भी मिल जाएगा साइकिल के लिए, ये भी भाई अच्छे खासा दिख रहा है। उसके बाद आपको भाई यहाँ पे टायर पे आपको भाई रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, और आगे के टायर पे भी दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, और एक आपको भाई एक हैंडल पे, और एक भाई सीट के पीछे भी आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। अगर भाई आप रात को साइकिल चलाते हो तो भाई ये बहुत काम आएगी। और ये जो भाई साइकिल ये ऑफ रोडिंग के लिए भाई बहुत ही अच्छी है। अगर आपको उसे बाय करना है, अगर आप भोपाल में रहते हो तो भाई आप शॉप से बाय कर सकते हो, तो भाई एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भाई भोपाल में नहीं रहते हो, आप कहीं और से बाय करना चाहते हो, भाई आपको जो ऑनलाइन बाय करना है तो उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब भाई मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है, और जो फीचर है वो मैंने बता दिए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को भाई यहाँ पे एक बेल भी लगी हुई मिली थी, मैं आपको बेल बजाना बेल लिखाना भूल गया था, ये बेल भी मैंने मेरे को लगा के दी थी। अरे बहुत ही अच्छी साइकिल है प्राइस के हिसाब से। राइड करके दिखा देता हूँ।
आप लोगों ने मेरी साइकिल को देख लिया होगा तो आपको मेरी साइकिल शायद पसंद भी आई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। मैंने कहा साइकिल को एक हफ्ते तक चलाया है तो भाई चलाने के बाद ये पता चला है कि भाई वो जो साइकिल है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मैंने शुरू में ज़रूर बोला था कि जो सीट है वो भाई कंफर्टेबल है, पर जब मैंने चलाया एक हफ्ते तक तो भाई मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। ढंग की सीट नहीं है भाई, इतना कंफर्टेबल नहीं है भाई। धचकों में भी भाई धचकों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जो सीट है वो भाई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो भाई यही नॉन गियर साइकिल है जो अच्छी खासी चल रही है, और नॉन गियर मैंने इसलिए ली क्योंकि भाई आस पास अच्छी खासी दुकानें नहीं है कि भाई गियर की साइकिल को ढंग से कर पाएँ, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बहुत आता है तो भाई ख़राब हो जाती है तो फिर भाई बार बार वो ख़राब होती रहती है। तो भाई यही था इसका ड्रॉबैक। भाई बाकी साइकिल बहुत अच्छी है, स्पीड भी बहुत अच्छी, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है, पर भाई जो मेन दिक्कत है ना वो भाई मेरे को सीट में लगी है, बाकी तो साइकिल बहुत अच्छी है। तो चलो भाई आप लोग मुझे सजेशन दिया करो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तब कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आपको मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर देख रही होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए आज मैं देखी थी और वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस एक कमेंट किए बिना मत जाना, और हाँ घंटी बजाते हुए जाना। जय हिंद जय भारत।